मॉर्टल वर्सेस स्काउट, एक इनक्रेडिबल मैच, और मॉर्टल ये रहेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे रहेंगे स्काउट। टोटल स्कोर अभी रहेंगे 000 000, बट दोनों एथलीट अभी शुरू होंगे एक लंबी दौड़ यहाँ पे एक चेज करने के लिए। पिच अभी भी डेड है और यहाँ पर हमारे पास टॉस होने ही वाला है। देखते हैं कि कौन इस टॉस को लेकर के जाता है और क्या उनकी तरफ से चॉइस आती जरूर है। सिक्का उछाल दिया गया था और टॉस जीते यहाँ पर स्काउट। ओपी अब उनकी तरफ से आती है बैटिंग की कॉल। स्काउट बोलेगा मेरा बैट है, मैं बैटिंग करूंगा। उनका बैट है, वो बैटिंग जरूर करना चाहेंगे यहाँ पे, और देखते हैं कि कितने रन्स वो बना करके चेजिंग का टारगेट वहां पर मॉर्टल को देते हैं और क्या मॉर्टल उसको चेज कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, बट अभी यहाँ पे रेड बुल एमयू सीजन 3 का आपको मैच नंबर 4 नजर आएगा। बट एक चीज मेरे को देखनी है कि मैच जो भी हारे वो बोले ये मैं कर लेता हूँ, आप डीम 11 पे जाके टीम बनाओ। ये देखिए स्काउट ने सुन लिया, स्काउट थोड़ा सा हंसने के मूड में जरूर वहां पर आ चुका है। वो देखते हैं वो डायलॉग बुलवाएगा जो भी हारेगा उससे, ये मैं कर लेता हूँ। बट अभी हमारा मैच होने वाला है स्टार्ट एंड बॉलिंग। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग पोजीशन बनाते हैं कि यहाँ से हमारा रनअप स्टार्ट होगा, और पिच आप देख सकते हो बहुत ही क्लियर पिच हम लोगों को नजर आ रही है और ओपन फील्ड 3 चूज करी गई है एंड फील्ड का अच्छा सा अच्छे से मुआयना यहाँ पे लेते हुए नजर आएंगे बैट्समैन। ऑफ पे एग्जैक्टली प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर रहेगी, लेकिन बात भी आती है कि गेंद भी उसी हिसाब से डालनी पड़ेगी कि ऑफ पे सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉल जा सके। सो पहली डिलीवरी यहाँ पर होने वाली है, मॉर्टल वर्सेस स्काउट का ये मैच रहेगा देवी और सजनो, और जाती हुई गेंद और काफी बेहतरीन तरीके से किया गया है, रन के अंदर यहाँ पर आउट किया जाएगा पहली ही बॉल पर। यहाँ पर आउट होते हुए दिक्कत कहीं ना कहीं, नो बॉल, ये यही स्काउट का गेम है जिस तरीके से रन आउट नो बॉल पे होता है। बिल्कुल, कवर्स पे एक शॉट बहुत ही प्यारा मारा जरूर था, बट वहां पे स्काउट ने बैटिंग करके जैसे ही बैट पे लगा रन 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 एंड उसके बाद, बट एक मॉर्टल को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि बॉलिंग स्पीड इतनी ना रखे कि वो नो बॉल ही हो जाए, वो स्टेप आउट नहीं करना है क्रीज से, एक लीगल डिलीवरी डालनी है। सो दैट कि ये एक चांस अच्छा था, आई वुड लाइक टू से कि पहली बॉल में एक विकेट आप निकाल के आते तो मैच पूरा आपके हाथ के अंडर ही रहता है। स्काउट के साथ ये दूसरी बार हो रहा है और जिस टाइम पहली बार हुआ तभी टाई ब्रेकर पहुंचा था वहां पर, और देखते हैं इस बार स्काउट क्या उसी सेम चीज पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। स्काउट उसी चीज को याद कर रहे हैं मेरे को लगता है, जब वो मन मन मुस्कुरा रहे हैं हल्का सा, लेकिन इस बार अगली गेंद को काफी बेहतरीन तरीके से खेला है उन्होंने, ज्यादा आगे तो नहीं जाएगी और एक सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ उनको। बिल्कुल, एक रन और मिलेगा वहां पे, बट अभी देखते हैं मॉर्टल किस तरीके से अब कम बैक करते नजर आएंगे बॉलिंग में, बिकॉज पहली बॉल पे वहाँ पे विकेट उन्होंने निकाली जरूर थी, पहली बॉल ही यहाँ पे हुई है। ठीक है, 2 रन हो चुके हैं स्काउट, उनके पास एक ऑप्शन है कट का, बिकॉज थोड़ा सा थर्ड मैन भी ऊपर है अब ऑफ साइड में अगर मारने की कोशिश, बट दैट वॉज डॉट बॉल डिलीवरी। 2 बॉलें हो चुकी हैं, 2 रन है मात्र, एंड एक यू कैन से बैलेंस्ड मैच चल रहा है अभी तक। जी, अभी के लिए तो एक बैलेंस्ड मैच चल ही रहा है, बात वही है कि 2 ही गेंदें हुई हैं, आप ज्यादा यहाँ पर जज नहीं कर सकते, बट एक काफी बेहतरीन यॉर्कर आई थी सीधा यहाँ पर डाली गई और रनआउट की कोशिश थी जरूर लेकिन नहीं हो पाएगा। मॉर्टल को देख, आपने मॉर्टल को देखा, मॉर्टल हल्का सा डिसअपॉइंट थे, काश एक और आउट यार यहाँ पर। मैं विकेट कीपर को देख रहा था, विकेट कीपर बॉल उस पे विकेट पे मार के 2 बार घूम गया। ये चीज हुई जरूरी थी। स्काउट अभी काफी एकदम खुश लग रहे हैं जिस हिसाब से वो खेल रहा है, प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देना चाहेंगे वो बिल्कुल भी, और बैटिंग के अंदर बात वही है, 3 गेंदें तो हो चुकी हैं, देखते हैं ये अगली वाली गेंद किस तरीके से उनके लिए आती है। काफी अच्छा शॉट किया लेकिन यहाँ पर दूसरा रन नहीं ही होना चाहिए, काफी करीबी मामला हो सकता था बट आउट नहीं आया। अभी देखिए मॉर्टल ने हाथ हल्का सा ऐसे ऊपर उठाया कि ये आउट है, ये मेरे लिए हो चुका बट वो नहीं हुआ। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कोई भी क्रिकेटर का, अगर आप नॉर्मल भी खेल रहे हो भले अंपायर आपकी सुन ना रहो आप अपील करोगे, बट अभी देखते हैं किस तरीके से। अब आखिरी 2 बॉलें बची हुई इस वाले ओवर की, मॉर्टल थोड़ा सा लेग साइड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्काउट के पास ऑप्शन रहेगा वहाँ पे लेग साइड पे फ्लिक करने का, बट कोई भी मिड विकेट पे प्लेयर था नहीं, अब मिड ऑन वाला जो प्लेयर था उसने कलेक्ट करके बॉल थ्रो कर दिया बॉलिंग एंड पे, बट दैट वॉज अ क्विक सिंगल, अच्छी खासी रनिंग इन बिटवीन द विकेट चली, सिवाय पहले जो बॉल पे आउट हुए थे उसके बाद अच्छा खासा स्ट्राइक रोटेट करा, बट जो 2 डॉट बॉल आई है वो प्रेशर बना के रखेंगी स्काउट के ऊपर। आखिरी एक गेंद बची है इस वाले ओवर की और मात्र 4 रन है इस वाले ओवर से। काफी धीमी शुरुआत यहाँ पर स्काउट की तरफ से हुई जरूर है, लेकिन ये काफी अर्ली खेला हुआ शॉट था जो ऑब्वियसली फील्डर के ही हाथों में यहाँ पर गेंद को पकड़ा गया, 5 रन पहले ओवर से आते हुए 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, अब मॉर्टल देखते हैं कौन से बॉलर की तरफ रुक डालेंगे एंड राइट आर्म फास्ट को स्पिनर की तरफ यहाँ पे मॉर्टल ने नहीं देखा है, अब
जस्ट बिलीविंग दैट कि अगर तेज बॉल डालेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा ना, बीट अच्छा कर पाओगे, बिकॉज स्पिनर को आप पिक अच्छा खासा कर लेते हो बट वहाँ पे स्पिन एक फैक्टर आ जाता है एंड अकॉर्डिंग टू द पिच मॉडल थॉट कि वो एक मीडियम पेसर को अच्छा खासा खिला सकते हैं. एंड सेकेंड ओवर स्टार्ट होने वाला है, पहली गेंद इस ओवर की, मैं तो बोलूँगा प्रेशर अभी किसी को बनी, बिकॉज बैलेंस्ड एक मैच चल रहा है. एक ही विकेट मिली है मॉर्टल को एंड स्काउट के हाथ में विकेट है, दैट मीन्स वो रन बना सकते हैं. एक स्ट्रेट ड्राइव मारी जरूर थी बट वहाँ पे एक ही रन मिलेगा. बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव थी जरूर, लेकिन ये काफी अच्छे तरीके से वहां पर संभाल ली गई थी, आगे नहीं जाने दी. अगर ये और आगे चल जाती, सर्कल से बाहर चल जाती तो ऑब्वियसली ये चौके की तरफ को जरूर पहुंच सकती थी. लेकिन अब देखेंगे आगे की क्या चीज होती है यहाँ पर मॉर्टल और स्काउट दोनों की तरफ से, जब ये गेम वापस एक तरीके से शुरुआत अपनी शुरुआती कदम बढ़ाएगा. बट बात ये आती है, चाहे आप बात करें कि यू नो 7 बॉल्स के अंदर अभी तक 6 रन हो चुके हैं, 8 बॉल्स के अंदर अभी तक 6 रन हो चुके हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत उस चीज़ की है कि स्काउट को एक बड़े शॉट की गुंजाइश है. बिल्कुल, एक लॉफ्टेड शॉट मारना पड़ेगा उन्हें, बिकॉज वो बड़े रन आने बहुत ज़्यादा जरूरी है. सिंगल डबल से आप वो ओवर 12 रन नहीं जा सकते, बट अभी वापस से एक टैप एंड सिंगल लेने की कोशिश करी, कवर्स की तरफ डाला जरूर था बट वहाँ पे बॉलर्स ने थोड़ा सा ऊपर कलेक्ट करा, थ्रो इतना अच्छा खासा था नहीं है, उसके चलते वहाँ पे एक और रन चुरा लेंगे स्काउट उस सर्कल में. एंड 2 रन इस वाले ओवर से मिल चुके हैं उन्हें, 7 रन हो चुके हैं ओवरऑल स्काउट के एंड एक ही विकेट गवाई. दैट मीन्स अब उनके पास एक लाइसेंस है कि वो आखिरी 3 बॉलों पे थोड़ा सा फ्रीली खेल सके. बट एक बहुत ही प्यारा यॉर्कर यहाँ पे बॉटल लाने की कोशिश की, बट कवर ड्राइव पे एक और शॉट मारा जरूर एंड लेफ्ट हैंडेड थ्रो जाएगा कीपर के पास एंड दैट विल बी अनदर सिंगल फॉर स्काउट. सो स्लो एंड स्टेडीली खेल रहे हैं अभी, नजर आ रहे हैं आखिरी 2 गेंद में, देखते हैं क्या नतीजा निकल जाता है उनकी तरफ. मॉडल ने एक चीज़ अच्छी कर रखी है, अपनी फील्डिंग बिल्कुल भी बदली नहीं है, जैसी शुरुआत करी थी वैसी ही फील्डिंग यहाँ पर रखी हुई है. आप देख सकते हैं ओपन फील्ड 3 का इस्तेमाल उन्होंने किया है और एक और अच्छी गेंद उनकी तरफ से आई है, फिर से प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर है. एक ही सिंगल मिल पाएगा लेकिन डबल की कोशिश है जो खराब रहेगा, एक और विकेट यहाँ पर खोनी पड़ी है. मॉडल काफ़ी अच्छे तरीके से लाइक एक बार कैमरा में देख करके हल्का सा मुस्कुरा जरूर दिए. बिल्कुल अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, कोई नहीं, हल्का हल्का चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है वो, हल्का हल्का हल्का. बट कोई नहीं, एक अच्छी चीज ये भी थी यहाँ पे. ओके, आखिरी बॉल पे क्या 4 रन आए वहाँ पे? ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ हुआ? एक रन जो आया है वो इस स्कोर को सेट करता है 13 के ऊपर, मतलब जिस तरीके से 13 यहाँ पर आए. सो अब देखते हैं कि क्या चीज यहाँ पर बन करके आती है. 14 रन्स नीडेड टू विन एंड मॉर्टल को 14 रन बनाने हैं 2 ओवर में, दैट मींस 12 बॉलों पे चाहिए 14 रन्स. एंड बैट्समैन यहाँ पे वापस से राइट हैंडेड चूज करे एंड वो दूसरा बैट्समैन जो उन्होंने चूज करा था राइट हैंडेड बैट्समैन ही है. एंड फील्ड एंड बॉलिंग देखते हैं किस तरीके से सेट करते हैं स्काउट. बिल्कुल, ये चीज़ हम जरूर देखना चाहेंगे कौन सी फील्ड यहाँ पर लेंगे और किस बॉलर को लेकर आना चाहेंगे. वो फास्ट से ही शुरुआत करते हैं, राइट हैंड फास्ट बॉलर से वो शुरुआत करना चाहेंगे. पहला ओवर ऑब्वियसली बात ये आती है कि 2 ही ओवर्स हैं, तो पहला ओवर यहाँ पर फास्ट पेसर से अगर करवा रहे हैं, दूसरा कहीं ना कहीं अगर स्पिन पर जाते हैं तो एक वेरिएशन जरूर लेकर के आ सकते हैं. ओपन फील्ड 9 उनकी तरफ से आ रही है, सर्कल के बाहर काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेयर्स उन्होंने खड़ा रखे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे ऑफ साइड पर गेंद डालें ताकि जो सर्कल के अंदर के प्लेयर्स हैं वही कहीं ना कहीं पकड़ सकें एंड मैक्सिमम अगर कुछ होता है तो सिंगल से ज़्यादा कुछ ना ले. इसमें अब उनको यही करना पड़ेगा कि थोड़ा सा लेग साइड पे डालते रहे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रन मैक्सिमम आते हैं बट वहाँ पे रनआउट का चांस भी रहेगा अगर 2 रन लेते हैं तो. बट आउटसाइड द ऑफ स्टंप डालना जरूरी है, बट अगर जो गैप है कवर्स पे अगर वो निकाल लिया वहाँ पे मॉर्टल है तो डायरेक्ट चौका तो मिलेगा बिकॉज कोई प्लेयर नहीं है वहाँ पे. एंड यही एक फ़ायदा इस वाली फील्ड का मॉर्टल, बट वहाँ पे एक हाई रिस्क परसेंटेज शॉट भी आपको खेलना पड़ेगा. बट आउटसाइड द ऑफ स्टंप वापस स्काउट की वही स्ट्रैटेजी रही है एंड देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे. बहुत ही प्यारी इन स्विंगर डिलीवरी डाली थी एंड एक और डॉट बॉल स्काउट के द्वारा 2 बॉलें डाली एंड दोनों की दोनों डॉट. मॉर्टल के ऊपर प्रेशर बनेगा इस वाले ओवर में, मॉर्टल के ऊपर हल्का सा प्रेशर है और इस बार हल्के से शॉट लग रहा था कि गेंद डालना चाहेंगे लेकिन एक अच्छी लेंथ की गेंद डाली है. यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी तक भी सिंगल नहीं आया, मॉर्टल ओवर एक्सर्ट नहीं करना चाहते सिंगल लेकर के कोई भी, वही रनआउट का चांस भी ऐसे एरिया के अंदर हो सकता है अगर आप बिटवीन द विकेट्स रनिंग सीधा शुरुआत करते हैं. अभी के लिए 3 गेंदें हो चुकी हैं, मिड इन रहा ओवर, देखते अगर अगला भी डॉट जाता है तो किस तरीके से आगे प्रेशर अपने ऊपर बनाएंगे. लेकिन इस वाले पर कहीं ना कहीं रन आ सकता था बट नहीं आया. अभी भी काफ़ी अलग यहाँ पर चीज है, 4 बॉले डॉट बॉल, दैट मीन्स अगर 2 बॉले और डाल ली तो वहां पे एक मेडन ओवर हो जाएगा स्काउट के द्वारा, जो कि बहुत ही प्यारी स्ट्रैटेजी के साथ डाल रहे हैं. आउटसाइड ऑफ स्टंप डाल रहे हैं, वहां से बॉल अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक और मॉडल थोड़ा सा छोटा चेंज करा जरूर था बट वहां पे एक आउटसाइड स्विंग डाली थी जिसके चलते वहां पे एक वाइड डिलीवरी
मिलेगी वहाँ पे, ताकि जब मेड इन ओवर हो नहीं सकता। एंड मॉटर ने भी अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था वहाँ पे ऑफ साइड पर थोड़ा सा मूव करके, उसी के चलते स्काउट ने वो डिलीवरी जो थी वो आउट स्विंगर डाल दी। अब देखते हैं किस तरीके से मॉटर वापस से एडजस्ट करते, बिकॉज स्काउट वही स्टार्टिंग के साथ चलेंगे, थोड़ा सा अंदर डाला है इस बार एंड कवर ड्राइव डालने की कोशिश करते, बट इस बार पीछे थोड़ा सा एक डायनेमिक शॉट जिसे आप कहते हैं एंड मोमेंट में बैट का जो मुक था वो खोला उन्होंने और फाइनल लेग की तरफ एक सिंगल निकाल दिया। एक सिंगल यहां पर आता, मतलब अब जा करके एक जो बैट से लग करके रन आता है वो आया है, और पहला तो एक्स्ट्रास के अंदर वाइड ही आया था, आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की, देखते हैं किस हिसाब से खेलना चाहेंगे। सेम डिलीवरी यहां पर स्काउट निकाल दिया, हल्की सी शॉट थी जरूर और ऊपर से जाते हुए ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, वापस से आखिरी गेंद करवानी पड़ेगी। तीन रन अभी के लिए आ चुके जिसमें से दो एक्स्ट्रास के साथ आए हैं, इस बार ज़्यादा शॉट नहीं जाना चाहेंगे, इस बार हल्का सा अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और एक अच्छी लेंथ की ये गेंद डाली गई है, फील्डर के हिस्से में हाथ में जाएगी, सिंगल निकालने की कोशिश थी और काफ़ी करीबी मामला होते हुए आउट नहीं होगा। बिल्कुल, वहाँ पे चार रन ही मात्र मिले पहले ओवर से मॉर्टल को, बट स्काउट उनकी अकॉर्डिंग जो एक जो प्लान था अपने अकॉर्डिंग वो खेलने आए थे कि ऑफ साइड के बाहर डालूंगा, एंड उन्होंने वो एक अच्छा खासा रिजल्ट अपने ऊपर निकाला भी है। अब देखते हैं किस तरीके से मॉर्टल सेकंड ओवर में प्रेशर डालेंगे स्काउट को, बिकॉज पहले ओवर का अगर आप नक्शा देखें तो छः से ज़्यादा ही बॉलें डाले, दैट मीन्स एक्स्ट्राज आपने ज़्यादा दिया, अगर उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो फिर आपने जो दो रन एक्स्ट्रा दिए थे वो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाता है ओपोनेंट्स को जब आप एक्स्ट्रा देते हो। जी, पहली चार गेंदों तक बहुत बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली थी, जब यू नो डॉट बॉल्स डाली जा रही थी, मॉर्टल के लिए मुश्किलें वहां पर हो रही थी, लेकिन एंड में उन्होंने चार यहाँ पर रन निकाले, एक और वाइड और पंजा यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। ये रन जिस तरीके से दिए गए हैं मॉर्टल को, आप बोलेंगे एक्स्ट्रास के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर यू नो एक तरीके से ढील दे दी गई है, और मॉर्टल को ज़्यादा रन्स बनाने नहीं पड़े उनके प्लेयर्स के द्वारा। बिल्कुल, बट अभी 9 रन हो चुके हैं, अब जिसमें से आपने पहले बोला कि दो ही रन ऐसे हैं जो लेजिट उन्होंने बनाए हैं, बट अभी देखते हैं स्काउट का वापस एक टाइट डिलीवरी नजर आएगी हम लोग, एंड मॉर्टल बोल रहे हैं कि कोई नहीं डॉट बॉल कर लूंगा मैं, नो बॉल एंड 10 रन ऑटोमेटिकली हो चुके हैं वहाँ पे, बट स्काउट हैव टू बोल दैट बॉल अगेन। अब देखते हैं किस तरीके से, वो स्पीड आपको ज्यादा नहीं देनी है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी डाल दोगे, एक यॉर्कर की कोशिश जरूर रहेगी वहां पे, बट क्या एक और शॉट, एक लॉफ्टेड शॉट, एक सुपर शॉट मारने की कोशिश जरूर थी, बट वहां पे मिड ऑफ पे प्लेयर खड़े जरूर थे, एक रन उनके हाथ से चुरा लिया। अब उस एक डिलीवरी के अंदर आप देखिए वाइड और चौका भी आया था, नो बॉल भी आई थी और एक रन भी आ चुका है, ये काफ़ी यू नो आप बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी ये बॉल हो चुकी थी जिस हिसाब से हुई है। मॉर्टल को जीतने के लिए बहुत ही कम रनों की आवश्यकता है यहाँ पर, और तीन रनों की आवश्यकता है, और काफ़ी ज़्यादा बॉल्स यहाँ पर पड़ी जरूर हुई हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पर डिफेंड किया उन्होंने, बट बात वही है प्रेशर के अंदर नहीं खेल रहे वो। चार बॉल पर तीन रन चाहिए, अगर आप एक और डॉट निकाले तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सिंगल्स तो लेग साइड पर खुले ही हुए हैं, ऑफ स्टंप पर ये थोड़ा सा प्रेशर बना के रखा हुआ स्काउट, बट फील्ड क्या चेंज कर सकते हैं, बिकॉज रन ज्यादा चाहिए नहीं। ओके, उनके कीपर ने एक और जो कलेक्ट करना चाहिए था, ये कीपर बदलो, कीपर बदलो यहाँ पे, ये कीपर बदलो, सब कुछ ठीक है, ये कीपर का 22 का चौका वहां पे मिला है, एंड उसी के साथ यहाँ पे मॉर्टल इस वाले मैच को निकाल गया। स्काउट बोलेगा आखिरी में तो मेरी गलती भी नहीं थी, क्या हुआ, ये कीपर बदला जाना चाहिए सच में, कीपर बहुत खराब है, तीन चार बार अंकित पंत वाले मैच में भी, यहाँ पर भी 12 रन एक्स्ट्रास किए आउट ऑफ दोस 15, क्या चल रहा है ये कीपर पता नहीं कौन सी टीम की तरफ से खेल रहा है सच में, कीपर पूरा हो गया था क्या इनिंग ब्रेक कीपर से नहीं हो पा रहा, कीपर से नहीं हो पा रहा, बट अभी चलते हैं इंटरव्यू की तरफ, देखते हैं वो लाइन कौन बोलेगा। अब मॉर्टल और स्काउट हमारे साथ जुड़ेंगे, वो एक ही बिल्डिंग में बैठे हुए जरूर, बट अभी थोड़ी देर बाद बात होगी। अरे क्या चल रहा है मॉर्टल, क्या चल रहा है स्काउट, हेलो कैसे हो, बढ़िया बढ़िया मॉर्टल, कैसा लगा कि वो पहले ओवर में जो एक्स्ट्राज आए आखिरी, पहले चार बॉलों के बाद क्या रिएक्शन थी भाई, अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मैच, स्काउट ने रन भी बना दिए भाई, मेरे को ऐसा था कि भाई कितना 10 रन्स बनाने 6 बॉल में, हां यार मतलब मैं खेल भी रहा था क्या, स्काउट ही बॉलिंग और बैटिंग कर रहा था कह रहा रन भी बना रहा है बॉल भी डाल रहा है, आपके तीन रन आए हैं बैट से और बाकी सब रन वो एक्स्ट्रा के थ्रू ही आए हैं जिस तरीके से आए, एंड स्काउट उस कीपर को आप कुछ बोलना चाहेंगे जो पीछे था यार, थोड़ा सा उसका तबियत खराब था उसको सुबह, मतलब सुबह उसने बताया था कि आज भाई थोड़ा सा खेल नहीं पाऊंगा मैं, तो कोई ना चलो कोई ना स्पोर्ट्समैनशिप रखो खेलो जी हो जाएगा मैं वो टीम मीटिंग में जाना चाहूंगा जहां पे स्काउट प्लेयर से बात कर रहे थे, वो कैसे बात हुई, बट खैर आप लोग, मैं ब्रेक के पहले भी हम लोग बात करते, हम चारों लास्ट टाइम जब क्रिकेट खेले थे हम चारों इकट्ठे, लाइक आप तो कह रहे थे आप सोने चले गए, बट जब लास्ट टाइम आपको याद होगा जब हम जिम कॉर्बेट गए थे सब लोग क्रिकेट वगैरह खेले थे, सो उसके बाद से अब यहाँ पर ई क्रिकेट खेलना, ये एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा आप लोगों का? अरे बहुत ज्यादा मजा आया था तभी, मतलब
और अभी तो खैर क्या बोलूं मैं, इतना मतलब फन था. मैं एक्चुअली मैंने पहली बार खेला और समझ गया एक बार में मेरे को कि क्या करना है, कब रिलीज करना है, कब कैसे करना है, तो मजा आया मुझे तो. खैर अभी मेरे को लगा था स्काउट फर्स्ट गेम के बाद सीख गया होगा कुछ, लेकिन चलो ठीक अरे कैसा ना कि अभी हम लोग साथ में खाना है, वापस अभी साथ में जाएंगे हम लोग बाहर भी खाने, तो क्या अच्छा चलता है, हम लोग चलता रहता कोई नहीं, आफ्टर मैच वाली जो प्लानिंग है ना वो चल रही है अभी, वो कोई चल रही है अभी दिक्कत. प्लानिंग। बट हाँ स्काउट इससे पहले कभी क्रिकेट खेला है, जैसे मतलब गली क्रिकेट भी जो खेलते हैं वैसे कितना खेला है? यार बचपन में बहुत, मतलब जब सेकंड थर्ड स्टैंड में बहुत खेला है गली क्रिकेट, तो फिर उसके बाद तो थोड़ा मतलब आप आज जैसे बहुत लोगों को पता है मैं दूसरा स्पोर्ट ज्यादा खेलता जी था, तो यस तो हाँ बचपन में क्रिकेट का थोड़ा सा है जी एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत तो था. जी बढ़िया बढ़िया. सो दैट वाज अ ग्रेट मैच इंडीड. आखिरी तक हमें पता नहीं था कि कौन सा प्लेयर किस टीम के लिए खेल रहा है, एंड आपका कीपर प्लीज वो चेंज कर दिया था, वो प्लेयर पता नहीं कौन सा था, बट दैट वाज अ ग्रेट बिल्कुल मैच इंडीड. अब देखते हैं किस तरीके से मॉर्टल जो आने वाले मैच में, जो सेमीफाइनल्स में अंकित पंत के लिए खेलेंगे. मॉर्टल आपने पहला मैच देखा था इससे पहले वाला जो अंकित पंत का हाँ था, यस मैंने देखा था भाई क्या ही वॉज मारा था गिविंग अ उन्होंने। हार्ड कॉम्पिटिशन. वो एक ओवर में 3 छक्के और हर हर साइड ऑफ द ग्राउंड में. हाँ देखा था मैंने भाई क्या होगा मेरा वो मैच में। He was counting on you actually कि वो मॉडल का थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है. हाँ लेट्स सी नेक्स्ट गेम में पता चलेगा क्या होगा, ये तो है ट्राई स्काउट। करूंगा. स्काउट आप किसके लिए रूट कर रहे हैं, मॉर्टल या अंकित पंत? या नीचे ही बैठा है, मैं अभी ये मैच खत्म होता है मैं नीचे देखने वाला लाइव बैठ के, तो आप लोगों को थोड़ा लेट पता चलेगा, मुझे पहले पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है. ऑब्वियसली मैं अपने नीचे वाले बंदे को करूंगा. चलो सही है सही है. अभी चलते हैं हमारे जो हमारा इसका अगला मैच होगा सेमीफाइनल की तरफ नजर डालेंगे. बट थैंक यू मॉर्टल एंड स्काउट फॉर कमिंग, एंड थैंक यू स्काउट फॉर प्लेइंग अनदर मैच, एंड सी यू इन द नेक्स्ट मैच मॉर्टल. गुड लक, टेक केयर, बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू. सी यस.